हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से आप इंस्टॉल कर सकते हैं सोशल क्लब किसी भी GTA 5 के लिए। सोशल क्लब इंस्टॉल करना काफ़ी लोगों के लिए प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इसके बहुत सारे ऑनलाइन वर्जन भी हैं और बहुत सारे ऑफलाइन वर्जन भी हैं। जो वर्जन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो ऑलमोस्ट तमाम GTA 5 में वर्क कर जाता है। ये ऑफलाइन वर्जन है और इसका साइज़ 100 MB से कम है, तो आपको डाउनलोड करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल इंस्टॉलेशन समझ आ जाए। तो मेरे पास यहाँ सोशल क्लब मौजूद है, आप देख सकते हैं। मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपने इस वर्जन को डाउनलोड कर लेना है। ये बिल्कुल ऑफलाइन वर्जन है और इसका साइज़ 50 MB है। तो जैसे ही आप सोशल क्लब को ओपन करेंगे, उसके बाद इस तरह से आपके पास एक सेटअप आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने नेक्स्ट कर देना है और उसके बाद आपने ISF पर क्लिक करना है और उसके बाद आपने इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है और आपका सोशल क्लब इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो सोशल क्लब इंस्टॉल हो गया है और उसके बाद आपने इसको यहाँ से क्लोज कर देना है। सोशल क्लब इंस्टॉल होने के बाद आपने अपने गेम वाले फोल्डर में आ जाना है। आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ और आपने करना यह है कि यहाँ से सिंपली गेम को ओपन कर लेना है और आपकी गेम चल जाएगी।